बेबी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारी मॉम को अपनी तरफ से अच्छे से कन्विंस कर लूंगा। तुम बस जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर यहाँ वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मॉम को तुम अच्छे से ट्रीट करना, क्योंकि मॉम के सारे मूड स्विंग्स होते हैं। जब उनके बेटी के सारे ऑड स्विंग्स को मैंने संभाल लिया है, तो उन्हें भी संभाल लूंगा। अब उन पे चलेगा रोहन का जादू। तुम बस जल्दी वापस आ जाओ। आई रियली मिस यू। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी आने की। निधि, आई लव यू। आई लव यू टू। अगर लव गुरु का प्रेडिक्शन सही है तो वो सामने से फोन जरूर करेगा। काम कर गया, रह नहीं पाया मेरे बिना। हेलो हेलो रोहन, कैसे हो तुम? सब ठीक? मैं ठीक हूँ। कहो। वो बात ये कि कल मेरा बर्थडे है और निधि के नहीं होने पर मैं काफी अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अपना बर्थडे आपके साथ बिता सकता हूँ? पहली बात तो कल के बर्थडे के लिए आज ही एडवांस विश, हैप्पी बर्थडे रोहन। थैंक यू। और हाँ, मेरे होते हुए तुम कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करना। आई प्रॉमिस, तुम्हारा कल का बर्थडे अब तक का बेस्ट बर्थडे होगा। थैंक्स अ लॉट मलिका जी, आपने ये कहकर मुझे अपने फैमिली का और भी खास हिस्सा बना लिया, तो मैं आपको कल मिलता हूँ। हाँ, कल मिलते हैं। टेक केयर। बाय। थैंक यू लव गुरु। मल्लिका जी, वाओ, बेरिली, सरप्राइज। थैंक यू मल्लिका जी, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। अपनों के लिए इतना तो बनता है ना। आपने मुझे अपना समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं तो आपको अपना समझती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अपना नहीं समझते। अरे ऐसा नहीं है, मुझे आपकी और निधि की फिक्र हमेशा रहती है। अब तुम्हें कैसे बताऊँ रोहन, निधि के पापा के जाने के बाद मुझे ही पता है कि मैंने उसे कैसे संभाला है। उसे कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दी और उसकी वजह से कभी अपनी खुशी के बारे में सोचा भी नहीं। मुझे पता है मल्लिका जी, मुझे पता है आपने कितना सहा है। आपने निधि के लिए जो किया है ना, कोई नहीं कर सकता, और मैं दिल से आपका इसी बात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कभी भी अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आई नो दैट। थैंक यू रोहन। चलो तुम्हारा केक काटते हैं। ओह, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।